लड़ाई चलती रहेगी। अधिकार हमारा बर्थ राइट है, हम इक्वल हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक। आपसे बोलते हैं आप हमारी आवाज़ पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। समलिंग दिखता है, हमारे अर्धनारीश्वर देवता हैं, शिव आधे नारी हैं आधे नर हैं। हमारा बिल्कुल कल्चर है ये, हमारा कल्चर क्या नहीं है, वो है नफरत, वो हमारा कल्चर नहीं है। प्यार हमारा कल्चर है, जरूरी नहीं कि कोई इंसान आदमी पैदा हुआ तो आदमी ही जीना चाहे, वो अंदर से औरत हो सकता है, या जरूरी नहीं कोई लड़की लड़की पैदा हुई तो लड़की की तरह जीना चाहे। मानता नहीं देता, समान मानता देगा, क्यों नहीं देगा, हम मानता दिलाने के लिए निकले हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन है या खुशी है, क्या है पूरा ये? खुशी है, और हम अपने अधिकारों को लेने के लिए सड़कों पे निकले हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें मैरिज इक्वलिटी देने से मना कर दिया है, और पार्लियामेंट जो कि होमोफोबिक है और उसे पूरा डिसीजन लेने के लिए बोल दिया है, तो हम बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे संविधान ने आज के दिन ही 26 नवंबर को लीगल डॉक्यूमेंट पास हुआ था, B.R. अंबेडकर का जी का दिन है, और जी आज संविधान दिवस है, और हम चाहते हैं कि संविधान में सबको अधिकार समानता का है, तो हमें भी वो अधिकार मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मान रहा आपकी मांगों को भी। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के प्रेशर में है, राइट विंग गवर्नमेंट के प्रेशर में है, और धीरे धीरे टाइम लगेगा। बट सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी भी आपको स्वीकार नहीं करेगी ऐसे। इंडियन सोसाइटी तो एक टाइम पे चाइल्ड मैरिज भी एक्सेप्ट करती थी, सती भी एक्सेप्ट करती थी, तो क्या वो सही था? नहीं था। समय के साथ साथ कुरीतियां बंद होनी चाहिए, हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सोसाइटी की नेचुरल चीजें हैं ये, प्रकृति नहीं मानती। अननेचुरल बिल्कुल नहीं है, नेचुरल है। एक आदमी और एक औरत आपस में, एक दो आदमी आपस में प्यार करते हैं, दो औरत आपस में प्यार करती है, ये अननेचुरल कैसे हुआ? प्यार कभी अननेचुरल नहीं होता, अननेचुरल होती नफरत जो कि ये लोग फैलाते हैं। लेकिन जो एक आदमी की एक पूरा स्ट्रक्चर होता है उससे तो फिर आप उसके खिलाफ जाते हैं ना आप? तो बिल्कुल उस स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाते हैं हम, ये पूरा बायोलॉजिकली सही है। जरूरी नहीं कि कोई इंसान आदमी पैदा हुआ तो आदमी ही जीना चाहे, वो अंदर से औरत हो सकता है, या जरूरी नहीं कोई लड़की लड़की पैदा हुई तो लड़की की तरह जीना चाहे। मानता नहीं देता, समान मानता देगा, क्यों नहीं देगा, हम मानता दिलाने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन भीड़ पे भीड़ से कानून नहीं बनते क्या? संसद में बनते हैं कानून। तो ऐसे तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, हम आज़ादी ब्रिटिशर से लेने के लिए निकले थे, तब तो वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी गलत था, दुनिया भर के इंडिपेंडेंस मूवमेंट गलत है, ऐसे तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, समाज में आप रहते हैं, क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं आप? शोषण और डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्कूल में कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन कर करके हमें समाज से अलग कर दिया जाता है, और अलग करने के बाद ये बोलते हैं कि तुम तो अलग हो। सरकार नहीं मानते फिर क्या करोगे आप? सरकार माने, साल से आपके आंदोलन चल रहे हैं, सरकार मानेगी, और हम इसीलिए हम निकल, हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हम आपसे बोलते हैं, हमारा माध्यम आप हैं, मीडिया है, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए, और आप हमारी हमारे साथ जो दिक्कतें हैं आप दिखाइए, ताकि समाज को वो चीज़ सामने आए, समाज के और समाज को पता चले कि हम भी इंसान हैं, हम अननेचुरल नहीं है, हम बिल्कुल नेचुरल हैं। विदेश में तो कई देशों में मान्य है, इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है ना? अरे इंडिया में कल्चर था, ये विक्टोरियन माइंडसेट है, ये गुलामी की मानसिकता ब्रिटिशर से आई है, इंडिया का कल्चर बिल्कुल है ये। हमारे खजुराहों की मूर्तियों में समलिंग दिखता है, हमारे अर्धनारीश्वर देवता हैं, शिव आधे नारी हैं आधे नर हैं। हमारा बिल्कुल कल्चर है ये, हमारा कल्चर क्या नहीं है, वो है नफरत, वो हमारा कल्चर नहीं है। प्यार हमारा कल्चर है। हिंदुओं में कहते हैं कि जब तक बेटा ना हो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी आप। क्या मोक्ष नहीं मिलेगा आपको जब बेटा नहीं होगा? अरे ऐसे कैसे, हम जितने सारे बच्चे हैं जिनको माँ बाप की जरूरत है, अनाथ हैं, जिनके कम होते हैं, बहुत कम कहाँ होते हैं, सारे ऑर्फनेजेस हैं, बच्चों को माँ बाप की जरूरत है, हम माँ बाप बनेंगे उनके, और हमें मोक्ष मिलेगा उन अनाथ बच्चों को पालने के वजह से मोक्ष मिलेगा। और ये लोग जो बच्चे पैदा करते हैं फेंक देते हैं, इन्हें क्या मोक्ष मिलेगा? जो लंबी लड़ाई चल रही है कानून सुप्रीम कोर्ट में, लड़ाई चलती रहेगी। अधिकार हमारा बर्थ राइट है, हम इक्वल हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक। आपसे बोलते हैं आप हमारी आवाज़ पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। लेकिन जब तक संसद में नहीं जाओगे आप, विधानसभा में नहीं जाएंगे, कल ट्रांसजेंडर होमोसेक्सुअल पार्लियामेंटेरियन भी बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर सब बनेंगे, हमें कब तक आप दबा के रखोगे? एक न एक दिन हम संसद में भी जाएंगे, और आप अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए हम लॉ पास कराएंगे। समाज वाले क्या कहेंगे?
समाज वाले, अरे समाज वाले नफरत करने वालों क्या कहते हैं उनको, खुली छूट है। हरेस करने खुली छूट है, रेप करने वालों खुली छूट है, उनको समाज कुछ नहीं कहता। हम जेल होती है, उन्हें जेल होती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। निर्भया के रेपिस्ट को जस्टिस मिलने में 10 साल लग गए थे, आप बताइए उनकी खुली छूट है, हमें खुली छूट नहीं है। तो क्या लग रहा है संख्या के लिए भी तो सर समाज अधिकार नहीं देता था, कितने साल से लड़ रहे हैं, आज महिलाएं हर हर पोजीशन में है, वैसे ही हम लोग होंगे, कब तक दबा के रखेंगे ये लोग हमको। तो कुछ कानून पास होगा लग रहा है? होगा होगा होगा, हम लड़ेंगे, नहीं होगा तो लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, 100 साल 500 साल लड़ेंगे, लेकिन समानता का अधिकार लेके जाएंगे। जो हम आपसे बोलते हैं मीडिया फोर्थ पिलर है, आप सही चीज दिखाइए, हमारी आवाज बनिए, अगर आप आवाज नहीं बनोगे तो कौन बनेगा हमारी आवाज। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। आप तैयारी करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं आपके, कुछ कमेंट वगैरह करते होंगे? नहीं, वहाँ के लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं, थोड़ा छोटे मोटे जगह के लोग ओपन माइंडेड नहीं है, बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अभी भी लोग ओपन माइंडेड हैं। क्या मौका मिलेगा आपको इजीली आसानी से? क्यों मौका नहीं मिलेगा, सब सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट पास किया था, उसमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया था, मैं थर्ड जेंडर कैटेगरी में UPSC एग्जाम दूंगी और IFS बनूंगी। अधिकारी बनना चाहते हैं विदेश? जी, भारतीय विदेश सभा में जाना चाहती हूँ मैं। थैंक यू।